बारीकी से अगर इन परिणामों का आकलन करें तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में, इन तीन राज्यों में तो सीधे सीधे सत्ता के विरोध की लहर, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं, सतही तौर पर सीधे सीधे दिखाई देती, क्योंकि जो सत्ता में पार्टी थी वो बेदखल हुई है, चाहे उसके नीचे जो भी कारण रहे हों। और ऐसा उसके पहले अगर दिल्ली में हुआ है, जहां पर शीला दीक्षित लगातार बेहतरीन पारी खेलने के बाद भी हारी है, या राजस्थान में हुआ है जहां अशोक गहलोत बहुत सारा काम करने के बाद भी परास्त हुए हैं, तो ऐसा क्या हुआ है? वो ये हुआ है कि सत्ता के विरोध में अगर खदबदाहट है और उसके सामने आपने एक मजबूत विकल्प खड़ा किया है तो मोहर उस पर लगी है। फिर सवाल यह है कि उसको लेकर इतनी आशंकाएं, कुशंकाएं और राजनीतिक पंडितों की इतनी किंतु परंतु क्यों? और इसमें मेरी आत्मस्वीकारोक्ति भी है कि मैं खुद बहुत जगहों पर नहीं, क्योंकि 403 में से केवल 10-15 विधानसभा सीटों पर जाकर आप कभी भी उत्तर प्रदेश जैसे खासतौर पर राज्य के नब्ज का आकलन नहीं कर सकते। लेकिन साफ बात यह है कि इतने प्रचंड बहुमत की या खास तौर पर संपूर्ण स्पष्ट बहुमत का आकलन, हालांकि वो पहला और दूसरे दौर के बीच का समय था, तो आप नहीं कर सकते। और ऐसा ही बहुत लोगों के साथ हुआ। आप देखिए एग्जिट पोल भी जो आए थे उसमें केवल दो ने ये बताया था कि इतना, उसमें भी मैक्सिमम 285 तक गई थी, 325 तक तो सोच भी नहीं पाया था कोई। और ऐसा ही कुछ लोकसभा के चुनावों में भी हुआ था। तो हुआ यह है कि जो गठबंधन की राजनीति का आदि हो चुका देश है, जो यादव, मुस्लिम, कुर्मी, भूमिहार, अगड़ा, पिछड़ा की जातिवादी गठजोड़ के आधार पर वोटों के गणित का बैलेंस नापने वाला जनतंत्र है, वो कब यहां से निकलकर उस युवा मतदाता की जेब में वहां पहुंच गया जहां उसको लगा कि मुझे इसको वोट देना है या किसी और को नहीं देना है, ये समझने में हमें बड़ी भारी भूल हुई। 2012 में इसी यादव परिवार को, जिसके बारे में विजय जी ने तमाम बातें कही कि उनके शुक्राणु अंडाणु हर कुर्सी पर रखे हुए हैं, उसको 220 सीटें थी यूपी में, उसी अखिलेश यादव को, उसी मुलायम सिंह यादव को, उसी डिंपल यादव के परिवार को, उसी धर्मेंद्र यादव को, उसी प्रतीक यादव को, 220 से 30 सीटें, सिंपल प्लेन मेजोरिटी यूपी में उस जमाने में। हम लोग को लगा अरे ये क्या हो गया, हम तब नहीं पढ़ पाए, ये मान रहे थे कि मायावती के खिलाफ हवा चल रही है तो समाजवादी पार्टी लीड पर है, 225-30 सीटें आएंगी तब यह नहीं पता था। और वही उत्तर प्रदेश की जनता 2014 में उसी समाजवादी पार्टी को लोकसभा में कहां खड़ा कर देती है और बीजेपी को कहां ले आती है, 48-50 सीटों वाली बीजेपी विधानसभा में जो थी वो 335 पर लीड लेती है और 73 लोकसभा सीटें जीतती है। ये उसी यूपी की जनता दो साल में, और फिर दो साल के बाद चुनाव आ रहा है, फिर बीजेपी को कहां खड़ा कर देती है, अखिलेश यादव को कहां जाके गिराती है। एक चीज साफ होती है, इस देश को, आवाम को समझ में आ गया है कि जो कृष्ण है जो गोपियों को हंसाकर छेड़कर वापस चला जाएगा, उसको वापस नहीं जाने देना है। उस कृष्ण को याद दिला देना है कि हम अपनी पसंद पे अपनी धुन सुनना चाहते हैं, तुम्हारी धुन सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। यही पंजाब में हुआ। आम आदमी पार्टी पिछले 6-8 महीनों से माहौल बना हुआ था और कहां गई आम आदमी पार्टी, क्या हुआ आम आदमी पार्टी का? ये अंतर है 1960 की राजनीति में और 2017 की राजनीति में। इन 50 सालों में हम लोग बहुत मैच्योर हो गए हैं और यही खूबसूरती है, यही ताकत है हम सब लोगों के बीच की। अवतार किसी पार्टी में हो जाए तो अलग बात है, वरना राहुल गांधी को अब कांग्रेस अगर ढो रही है तो वो निरंतर सोसाइटी की तरफ जा रही है। ठीक, तो अब जो चुनौती है वो ये है उन्हें सिद्ध करने की, योगी आदित्यनाथ के सामने जो बड़ी चुनौती है उसको सिद्ध करने की है कि वो जो भरोसा उन पर जताया है, वो 44 साल के सबसे कम आयु के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी की सारे राज्यों में जहां जहां उनकी सरकारें हैं असम के अलावा, तो असम कोई नेशनल लीडरशिप में बड़ा रोल प्ले करेगा मुझे नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश से मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये सिद्ध करें, जैसा कि मोदी ने गुजरात में जो कुछ भी किया 3 बार लगातार रहे और उसके बाद देश ने उन पर भरोसा किया और एक बड़े भूमिका में उनको लेकर आए। तो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स में मैं देखता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ ये सिद्ध कर पाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे का एक चेहरा में उनको मैं सोचता हूं कि वो बन सकते हैं, और फेल होने के लिए भी उनके उतने ही चांसेस जितने उनके सफल होने के लिए हैं। तो सारी स्थितियां अभी कसौटी पर हैं। एक रिजल्ट से हमको उम्मीद बनती है कि जिस दम घोटू वातावरण में सेक्युलरिज्म की राजनीति ने इस देश को धकेला,
जिस हिंदू मुस्लिम सब्जेक्ट में जिस तरह की टर्मिनल चीजों में डाला, और हुआ भला किसका? आपने पॉलिटिक्स की, उनका भला क्या हुआ? मुसलमानों का भला क्या हुआ? दलित वहीं पड़े हुए हैं, बस कुछ शोकेस में लगाने के लिए कुछ चेहरे अलग अलग पार्टियों के पास हैं। तो उस तरह की जो राजनीति इस देश को 70 साल, जो देश पिछले 1000 साल के इतिहास में बहुत ही इतिहास की बहुत बारीक और बेरहम पिसाई से निकलकर बाहर आया हो, उस पर बहुत दया करने की जरूरत थी, बहुत दया करने की जरूरत थी 70 सालों में। लेकिन हम उसको दलदल में ले गए, ऐसी राजनीति की दलदल में लेके गए हम। तो उस उत्तर प्रदेश के वोटरों ने यह सिखाया कि अभी ये नहीं चलेगा, और अगर ये लोग सही करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश की जो भावी राजनीति है वो किसी सही दिशा में जाएगी।